अगर आप भी द कश्मीर फाइल जैसी ही कुछ मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको पांच ऐसी मूवी बताने वाला हूँ जो कि उसके जैसी सिमिलर होने वाली हैं, जिनमें आपको हमारे इतिहास की ही इंडिया के हिस्ट्री की काफ़ी सारी नॉलेज देखने के लिए मिल जाएगी। तो कौन सी पांच मूवी जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्विक समरी वाली या क्विक रिव्यू वाली वीडियो बनाऊंगा, उनके जल्दी जल्दी मैं आपको नाम वगैरह सब कुछ बता दूंगा, तो जल्दी से इसे वीडियो को एंड तक देख लेना। और बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना। पहले नंबर पर अगर मूवी की बात की जाए तो आप जो है संदर 19 की 8.2 की रेटिंग वाली द ताशकंद फाइल देख सकते हो। अगर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, प्रोनंसिएशन अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। इसमें जो अगर कहानी की बात की जाए, इसमें सेकंड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री के मर्डर के ऊपर की कहानी दिखाई जाती है कि उनका जो मर्डर था वो नेचुरल डेथ थी या कुछ मिली जुली साजिश थी। जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो, आपको G5 पे देखने के लिए मिल जाएगी। काफी अच्छी मूवी, आप जाके इसे चेकआउट जरूर करना। दूसरे नंबर पर आप जो है 5.1 की रेटिंग के साथ सुंदर 10 की लम्हा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर देख सकते हो, जो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें मेन लीड में आपको जो है संजय दत्त एज विक्रम का रोल देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि कश्मीर में एक तरह का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं, कुछ राज पता करने जाते हैं। यहां उनकी मदद करते हैं बिपाशा बासु एज अ अजीजा। तो क्या है वो राज जो पता करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आप जो है 5.8 की रेटिंग के साथ सुंदर 18 की 31 अक्टूबर देख सकते हो, जो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। मूवी की बेसिक कहानी की अगर बात की जाए तो इसमें जो है इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद में किस तरीके से जो सिक्कों वाला दंगा हुआ था, किस तरह से सिक्कों को मारा जा रहा था, किस तरह से सिख जो है बच रहे थे, उस चीज के ऊपर ये कहानी दिखाई गई है, जिसमें आपको जो है सोहा अली खान मेन लीड में देखने के लिए मिल जाएंगी, जो इसमें ताजेंद्र कौर का जो है कैरेक्टर प्ले कर रही है। तो किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं, सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप जाके इसे भी चेकआउट कर सकते हो, आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। चौथा नंबर आप 7.0 की रेटिंग के साथ सन 2013 की द अटैक ऑफ 2611 देख सकते हो, इसकी वेब सीरीज भी ऑलरेडी बन चुकी है तो, लेकिन मैं यहां मूवी की बात करने वाला हूं, तो आप जो है जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। ये आपको इरोज नाउ पे देखने के लिए मिल जाएगी। मूवी में आपको मेन लीड में नाना पाटेकर, अतुल कुलकर्णी जैसे बड़े बड़े कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाएंगे। और देखो मूवी के नाम से आप समझ गए होंगे इसमें हमें क्या बेसिक स्टोरी देखने के लिए मिलने वाली है। ये बेसिक स्टोरी वही ताज अटैक के ऊपर देखने के लिए मिलने वाली है। आपने काफी सारी मूवी देख रखी होंगी, लेकिन आप इसे भी जाकर चेकआउट जरूर कर सकते हो। अगर आपने आज के टाइम की देख रखी है तो थोड़ी पुराने टाइम की भी देख लेना, तो ये भी काफी अच्छी मूवी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें काफी अच्छी नॉलेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पांचवें आठ नंबर की मूवी के बारे में बात करने से पहले, अगर आपको ये चार मूवी पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चाहते हो आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज या वेब सीरीज की लिस्ट जो है मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके बाबू सोना जादू टोना के मैसेज से पहले तुम्हारे भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो बात करें पांचवें और आखिरी नंबर की मूवी के बारे में, तो इसमें जो है 8.1 की रेटिंग के साथ 2015 की तलवार मूवी देख सकते हो, जो कि क्राइम ड्रामा मिस्ट्री जोनरा की मूवी है, जो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। बात करें मूवी के मेन लीड के बारे में, तो इसमें आपको जो इरफान खान एज अश्विन कुमार के रोल पर देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करें मूवी के बेसिक कहानी के बारे में, तो इसमें जो है अश्विन कुमार जो है एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर होते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ इस तरीके का केस आ जाता है। मूवी में जो केस दिखाया गया वो रियल बेस्ड स्टोरी पर दिखाया गया है, तो कौन सा वो रियल बेस्ड स्टोरी का केस आप जाके उसे मूवी में देख सकते हो। मैं यहाँ कुछ बताने वाला नहीं हूँ, वरना पूरी कहानी स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी सारी हमें मूवी देखने के लिए मिलती हैं सब जो है हिस्ट्री से ली गई हैं, और हिस्ट्री के बारे में काफी सारे लोगों ने जो है नॉलेज ले रखी होगी, लेकिन अगर आप जो है इसे फर्स्ट टाइम देखोगे तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा। और बाकी इरफान खान की एक्टिंग के बारे में तो आप सब जानते हो, और मेजोरिटी पीपल ना आप में से काफी सारे लोगों ने इन मूवी को देख रखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, इन मूवीज को नहीं देखा, तो जाकर जरूर चेकआउट करें। एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा और एक अच्छी खासी नॉलेज देखने के लिए मिल जाएगी। आपको अपने इंडिया के बारे में काफी सारी बातें पता करने के लिए मिलेंगी, काफी सारी चीजें जानने के लिए मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल करना, बाकी ऑल पे भी क्लिक कर लेना, ताकि बाबू सोना जादू टोना के मैसेज से पहले तुम्हारे भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप रखना अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।